भारत में ये बहुत ही शर्मनाक है कि अभी समाचारों में आता है बार बार में कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई जाती है। अभी हाल में एक विशिष्ट प्रतिष्ठित कंपनी के मसालों में मिथाइल ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई गई, जो कि फसाई के नियमों से कुछ अधिक मात्रा में। तो यहाँ और कई देशों ने हमारे जो मसाले हैं उनको बैन कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फसाई है, जो यह संबंधित संस्था है, नियम तो बना देती है, लेकिन उन नियमों के लिए जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी मात्रा हमें समय समय पर चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो मानक के अनुसार खाद्य पदार्थों का उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, हमें इसके लिए विभिन्न समय समय पर सैंपल लें और उन सैंपलों को चेक करें कि वो उचित मात्रा में बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे हैं। तीसरा है, आम पब्लिक है इन चीज़ों से अनभिज्ञ होती है, तो हमें एक मुख्यालय स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर ऐसी सरकार के द्वारा लैब स्थापित की जाए जो उन खाद्य पदार्थों की जांच कर सकें, या आम आदमी भी उन खाद्य पदार्थों को ले जा कर के उनकी शुद्धता की जांच करा सके, जिससे उसको पता चले कि उसमें कौन सा हानिकारक पदार्थ मिला हुआ है और वो उसके स्वास्थ्य से बच सके। तो ये मिलावटखोरों को सख्त से सजा हो, तो जिससे आम जन के प्रति जो स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है वो उससे बच सके। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? बहुत कह दिया। तो इन लोगों का यही कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं अपमिश्रण अधिनियम, उसकी कठोरता से पालना की जानी चाहिए। वहीं इनका ये कहना है कि ब्लॉक स्तर पर लेबोरेटरी की स्थापना की जाए जहां पर जो खाद्य पदार्थों की मिलावट होती है उसकी जाँच हो सके। वेर से इंडियन न्यूज के लिए हरदेव कटारिया। बयान, हंगामा, दावे, ये सब कहां सच बतलाते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी तो आंकड़े ही कर पाते हैं। देखिए मेरे साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका रोज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर।